हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में अपनी बाइक में फिट करेंगे ये वाली जो कंप्लीट हेडलाइट आती है। तो गाइस, इसमें जो है DRL भी आपको मिल जाता है और आपको प्रोजेक्टर लाइट भी इसमें मिल जाती है। सो गाइस, इसका जो इंटीरियर है कुछ डार्क ब्लैक में मिलता है, जो कि काफ़ी देखने को अच्छा लगता है। और मैं पर्सनली इसको जो है, मेरे को काफ़ी पसंद है ये हेडलाइट। और एक इसके साथ बोश वाली भी आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे को ये अच्छी लगती है। तो बोश की भी जो है सेम ही होती है, लेकिन उसमें जो है बोश लिखा होता है और DRL में बोश लिखा होता है उसमें। तो इसको जो है हम अपनी बाइक में इंस्टॉल करेंगे। तो चलेगा सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो भाई, ये लाइट कुछ इस तरह से आती है, आप देख सकते हो इसको। यहाँ पर आपको जो है प्रोजेक्टर और DRL कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। और इसका जो इंटीरियर है कुछ डार्क में है, तो वो काफ़ी अच्छा देखने को लगता है डार्क ब्लैक में। और यहाँ पर मैं आपको कनेक्शन की बात करूँ तो डायरेक्ट फिट होगी। अगर आपकी बाइक का जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट बैटरी से है हेडलाइट का, तो इसमें जो H4 वाला कपलर ये डायरेक्ट फिट हो जाएगा। और ये जो है ये इसका जो DRL चलेगा उसके लिए है। सो चलिए गाइस, पहले मैं आपको जो है एक बार इसको अटैच करके ऐसे दिखा देता हूँ कैसे चलती है। सो गाइस, आप देख सकते हो इसको, ये डायरेक्ट ऐसे फिट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो DRL किस तरह से चल रहा है। आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत लगता है इसका DRL। नीचे से यहाँ पर जो है वाइट इसका DRL की एक पट्टी चल रही है, और साथ ही में यहाँ पर जो है प्रोजेक्टर में से रेड कलर की ऐसे लाइट चलती है। सो गाइस, जितना ये कैमरे में देखने को अच्छा लग रहा है, उससे ज़्यादा ये जो है ऐसे देखने को अच्छा लगता है बाइक में। तो चलिए गाइस, अभी जो है इसको फिट करते हैं अपनी बाइक में। सो गाइस, इसको इंस्टॉल करने के जो है अपने अपने तरीके हैं। कुछ लोग जो है इसमें पत्ती वत्ती लगा के कुछ ऐसे सेटिंग करते हैं इसकी। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है कुछ पुरानी कोई हेडलाइट ले लेनी है, और उसमें से ये वाली जो पत्ती है इसको आपको निकाल लेना है। तो चलिए, इसको मैं निकाल लेता हूँ। तो गाइस, पत्ती को निकालने के बाद आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप जो है इसमें जो है कुछ स्क्रू वगैरह टाइट करके कुछ जो लाइट में होल वगैरह करके यहाँ पर पत्ती वत्ती को ही सेट कर सकते हो, या फिर गाइस आपको इसको जो है एक एमसील जो आती है उससे इसको जो है आप सेट कर सकते हो। और यहाँ पर भी गाइस कुछ लोग जो है वो इसको वाइजर में फिट करते हैं, जिसकी कि फिटिंग देखने को काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन डिसएडवांटेज उसका यह है कि आप लाइट की फिर सेटिंग नहीं कर पाते हो, मतलब अपडाउन नहीं कर पाते लाइट को। तो मैं यहाँ पर इस पत्ती को लगाऊंगा ताकि मैं इसको जो अपडाउन भी कर पाऊँ, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा एमसील को। और गाइस, आपको ध्यान रखना है कि पत्ती को जो है थोड़ा उठा के आपको रखना है, क्योंकि अगर ये बिल्कुल आप पास में इसको अटैच कर दोगे इसके साथ ही में, तो ये जो है लाइट आपकी अंदर को चली जाएगी, मतलब वो जो है बाहर को नहीं आएगी, तो फिर वो देखने को अच्छी नहीं लगेगी और फिटिंग उसकी अच्छी नहीं आएगी। तो आप कोशिश कीजिएगा इसको जितना ये ऊपर हो उतना अच्छा है ये पत्ती, क्योंकि उससे जो है लाइट उतनी ज़्यादा जो है बाहर रहेगी। तो इसको मैं अभी एक बार हल्का सा ऐसे लगा लेता हूँ और थोड़ा सूखता है, उसके बाद देखता हूँ। और गाइस, इसको जो है सूखने के बाद मैं और थोड़े जो है एमसील के पिलर लगा दूंगा। तो गाइस, आप देख सकते हैं लाइट हमारी अभी सूख चुकी है, और अभी मैं इसको जो है लगाता हूँ अपनी बाइक में। तो चलिए गाइस, अभी मैं इसको फिट कर लेता हूँ। बाकी इसकी लाइट तो डायरेक्ट फिट होगी, और DRL जो है इसका वो चाबी ऑन करने पर ही चलेगा। तो चलिए गाइस, इसको भी मैं फिट कर लेता हूँ। चलिए गाइस, अभी इसको एक बार चला के देखते हैं। सो गाइस, आप देखते हो काफ़ी अच्छी इसकी जो है लाइट देखने को लग रही है। तो चलिए गाइस, अभी बाइक की लुक का मैं आपको जो है कुछ शॉट्स दिखा देता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हो बाइक दिखने में कितनी कूल लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। और अभी मैं जो है इस बाइक को जो है पूरा मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा, पूरा मॉडिफिकेशन करूँगा रैप वगैरह करके टोटल, तो वो आप सीरीज पक्का देखेगा। तो चलिए गाइस, अभी जो है मैं आपको रात का इसका जो है शॉट दिखाता हूँ। सो गाइस, रात को कुछ देखने को इस तरह से लगती है, आप देख सकते हो उसको। DRL वगैरह इसका काफ़ी अच्छा चलता है, और ये जो है मुझे जितनी भी मैंने हेडलाइट लगाई है ऐसी वाली, उसमें से सबसे अच्छी मुझे यही लगती है, इसलिए मैं इसको जो है लगा के रखूंगा अपनी बाइक में। चलिए गाइस, अभी मैं आपको जो है इसकी विजिबिलिटी दिखा देता हूँ रोड कंडीशन में कैसी है। सो गाइस, आप देख सकते हो इसके हाई बीम में थोड़ा मतलब इतना थ्रो है इसका कि ये काफ़ी दूर तक जाता है, और हाई बीम जो है इसका थोड़ा मतलब ऐसे फोकस में पड़ता है, उससे आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने इसको जो है यहाँ पर लोकल सड़क पे भी चलाया है, और मेन रोड पे भी, मतलब हाईवे पे भी मैंने इसको जो है ड्राइव करके देखा है,
तो लाइट में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी गाइस हो सकता है इस लाइट में अलग अलग क्वालिटीज आती होंगी, तो क्वालिटी वाली ही लाइट आप जो है परचेज कीजिएगा। गाइस अगर आपको परचेज करनी है तो लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आके इसको जो है परचेज कर सकते हो। गाइस उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।